नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। बीते दिनों जनपद अंतर्गत आई आपदा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने धारचूला के अंतर्गत नालियों में मलबा एकत्र न होने देने, नियमित सफाई, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था आदि को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने सड़क मार्ग को शीघ्र दुरुस्त करने को लेकर, PWD तथा आपदा प्रभावितों के भोजन आदि व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश संबंधितों को दिए हैं। लेकर हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। इस संबंध में वाटर सप्लाई के रेस्टोरेशन, वहाँ पे जो नालियों में मलबा है उसे हटाए जाने को लेकर, या इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर किया जाना है, उनके सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रॉय होने के कारण आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड और इसी किस्म के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उन्हें बनाए जाने के लिए 3 दिवसीय शिविर के लिए मेरे द्वारा तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया। उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित होने के बाद डॉक्टर रमा खरकवाल के यहाँ गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुँचने पर छात्र छात्राओं व स्टाफ द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। रमा खरकवाल ने डॉक्टर सभिया नाच के निर्देशन में संगीत में शोध कार्य भी पूर्ण कर लिया है। स्वागत करने वालों में विद्यालय परिवार उपस्थित था। इधर शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त हरीशचंद पांडे के राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल मंडप में पहुँचने पर भव्य स्वागत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर रमेश चंद जोशी, भुवन चंद पांडे, संगीता, राकेश पुरी, त्रिभुवन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सभागार में उत्तराखंड NGO मंच द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कमेटी सदस्य जगत मर्तोलिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ कहा गया कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अलग कर उत्तराखंड के समग्र विकास का सपना नहीं देखा जा सकता। बैठक में सर्वसम्मति से राज्य काउंसिल के लिए जगत मर्तोलिया का नाम पारित किया गया। साथ ही डॉक्टर किशोर पंत को जिला समन्वयक, उमेश कापड़े को पिथौरागढ़ नगर समन्वयक, बिण ब्लॉक घनश्याम पंत, मोनाकोट बबीता पुनेटा, कनालीचना उत्कर्ष जोशी, धारचूला सुभाष जोशी, मुंशियारी गंभीर मेहता को समन्वयक का दायित्व सौंपा गया। बैठक में चंद्रशेखर मुरारी, भुवन पंत, कमला तिवारी, मनमोहन बोरा, प्रेमा सुतेरी, मुकेश गिरी आदि लोग मौजूद थे। संचालन डॉक्टर किशोर पंत द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के BDT राजकीय इंटर कॉलेज गुड़ना में बाल अधिकारों पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने घरेलू हिंसा, नशावृत्ति, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल उत्पीड़न के खिलाफ जनप्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन और प्रशासन को सतर्क रहने की बात कही। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें बाल अधिकारों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हैं। नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे तमाम अप्राकृतिक कृत्यों के खिलाफ सभी संवेदनशील लोगों को आगे आना होगा। संगोष्ठी का संचालन करते हुए सहविधि परिवीक्षा अधिकारी अंकुर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बालकों के साथ हो रही किसी भी ज्यादती को रोकने के लिए प्रशासन के साथ ही ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही किशोर न्याय अधिनियम के तहत तय कर दी गई है। मुख्य वक्ता जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट ने आवश्यक जानकारियां देते हुए बताया कि बाल कल्याण समिति द्वारा जिले भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बाल कल्याण समिति सदस्य जगदीश कलोनी और मनोज पांडे द्वारा बाल अपराध, बाल श्रम, साइबर क्राइम को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई। इस अवसर पर जिला बाल विकास अधिकारी डॉक्टर निर्मल बसेड़ा, पुष्पा लोहिया, प्रधानाचार्य BD भट्ट, प्रवीण रावल, GC पंत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बीते दिवस लापता हुए चंपावत SDM सदर अनिल चन्याल का पता चल गया। वे शिमला में हैं। SDM का पता चलने पर SDM के शुभचिंतकों व प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि उनकी SDM से वार्ता हुई है, वे शिमला में हैं। बताया कि स्वास्थ्य खराब होने के चलते वे आकस्मिक शिमला चले गए। जाँच अधिकारी कोतवाल योगेश उपाध्याय ने बताया कि SDM की लोकेशन सुबह शिमला में मिली, इसके बाद उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया गया। SDM के शिमला में मिलने से सभी ने राहत की सांस ली है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान मिशन मर्यादा व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मिशन मर्यादा अभियान के तहत धार्मिक पर्यटन और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 51 व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष जगदेवल हरीश पुरी द्वारा चेकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थल पर हल्ला करने और शांति व्यवस्था भंग करने पर मनीष खाती को धारा 151 CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 116 वाहन चालकों का चालान किया गया। इधर साइबर सेल पिथौरागढ़ की तत्परता से ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 4 व्यक्तियों के खाते में 84,127 रुपये की धनराशि वापस कराई गई। साइबर सेल द्वारा मिली शिकायतों के निस्तारण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
है। पुलिस ने ठगी का मामला होने पर शीघ्र हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने या नजदीकी थाना व साइबर सेल को सूचित करने की अपील की है। इधर चंपावत साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के खाते में पूरी 88,000 की धनराशि वापस करा दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।